पहले तो मैं ये कहूंगा ना मैं विशिष्ट हूँ ना विद्वान हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। मैं आया था कबीर जी के साथ कुछ हफ्तों पहले, मैं मणिपुर में था, हम यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ भी सुना था उनको, मैं तो मॉडर्न टेक भी गए थे 3-4 दिन उनके साथ, तो उन्होंने मुझे बताया था यहाँ आ रहे हैं ये राम बाबू ने मुझे क्यों कहा, मैं तो वहाँ बैठा था, मुझे बोला गया। फिर भी जब मुझे कहा गया है तो मैं यही कहूँगा सब महानुभाव स्वामी जी बैठे हैं, मुझे मालूम है आप विशिष्ट जो कटक के इसी तरह सब बैठे हैं, मैं वो नहीं कहूँगा जो आप मुझे पता मुझसे पहले भी बोले हैं और अभी भी कहेंगे। नेता जी के बारे में कहा गया, उनके बारे में जिक्र करा गया, मुझे आज इसी ने बुलाया गया या आपको श्याम बाबू ने मुझे कहा क्योंकि मेरे नेताजी से कुछ थोड़ा बहुत काम उड़ीसा में किया। और मैं ये भी कहूँगा कि पिछले 70-75 सालों में जो नेताजी पे काम नहीं हुआ था वो प्रोफेसर साहब ने पिछले 4-5 सालों में किया है। और आज उनका जो टॉपिक भी है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, भारत स्वतंत्र कैसे हुई, तो मैं यही कहूँगा देखिए यहीं पर हम बैठे हैं, यहाँ से कुछ 100 मीटर दूर पक्का है यहाँ पर नेताजी का जन्म हुआ। आज काफी सालों तक तो मैं सावरकर जी के बारे में नहीं बोलूंगा, श्याम बाबू बहुत बड़े स्पॉट है, नेताजी के बारे में नहीं कहूंगा कि ऐसा था उड़ीसा से भी तकरीबन 4,000 उड़िया यही के आदमी जो बर्मा में थे वो नेताजी के आजाद हिंद फोर्स में थे, वो वहां पर थे बर्मा में रेलवे और प्लांटेशन में काम करने गए थे, तो जब नेताजी वहां के रेंगून और बर्मा में थे तो उन्होंने भी ज्वाइन किया, काफी लोगों ने अपना जीवन जो है उनके लड़ाई में त्याग दिया, सब हर जगह से ही थे, मैं नहीं कहता उड़ीसा से थे, वो हर जगह से थे, पंजाब हिमाचल यूपी हर भाषा के थे, पर उड़ीसा के भी इतने बड़े लोगों का योगदान था जिसको इतिहास भूल चुका है। मैंने कुछ रिसर्च किया था, मैंने एक लक्ष्मी पंडा की थी, आप मैं अगर समय होता तो आज यहाँ बताता, तो मैंने अभी तक 700 ऐसे नाम निकाल लिए हैं जो हमारे उड़िया योद्धा थे, या तो वो वहां अपना जीवन का बलिदान दिए या हम वापिस आए। लेकिन जब आईएनए डिस्बैंड हुई 70 फैल गए, 12,000, 14,000, 15,000 तो कपिल जी बोले चारों तरफ थे, पेशावर से लेके हर जेल में थे, पर काफी ऐसे राज्य थे जिन्होंने उनको उनका सम्मान दिया, हिमाचल हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यूपी हुआ, पर कुछ ऐसे राज्य थे जो जिन्होंने उनको पूरा उनमें से एक राज्य था। मुझे नहीं मालूम अगर आप लोग अवगत होंगे कुछ लोगों से, तो मतलब जो हम भूल ही गए उनको, चंद गिने चुने 5-7 आदमियों को छोड़ के जितने भी आईएनए के वेटरन थे उन्होंने एसोसिएशन भी बनाई थी, पर उनको भूल गए, बहुत दिनों तक भूल गए, बाद में पेंशन वेंशन दो सौ 400 रुपये। देखिए आज मुझसे पहले भी उन्होंने आप वक्ताओं ने कहा कि यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, जो लेके जाएगा जो फॉरवर्ड लेके जाएगा इस देश को उन आधारों पे जो सावरकर जी के सपने थे, जो नेताजी के सपने थे। आज कितने बैठे हैं यहाँ पर आप देखिए, तकरीबन 90% बुजुर्ग ही हैं, कितने यूथ बैठे हैं। देखिए आज की जो पिछले 9 सालों से या हम देख रहे हैं 2014 के बाद जो हालात अभी इस देश में रही, हमारी स्टैंडिंग पूरी दुनिया में बदली है, उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब उससे अवगत। पर उसका फ्लिप साइड ये भी है कि कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में ही एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए सरकार ने ये कहा था कि 8,80,000 बच्चे हमारे 8,80,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया बाहर पढ़ रहे हैं। देखिए जो भी बाहर पढ़ने जाता है, जो सस्ते से सस्ता कोर्स है जिसको बीबीए वगैरह भी कहते हैं, उसमें भी 30-35 लाख रुपए खर्चा होते हैं, तो 8 और उसके बाद आप अगर डॉक्टरी का कोर्स लें, दूसरे साइंटिफिक का कोर्स लें, तो करोड़ों रुपए में खर्चा होते हैं, मतलब मिनिमम अमाउंट इज 35 लाख जो 2 साल के लिए दिया जाए। 8,80,000 बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं, इशू तो हम है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मतलब जो 8,80,000 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, 50% टीचर तो बाहर आए वो इंडिया भी है जो उनको पढ़ाते हैं। हाँ,
इसमें बहुत सुधार चाहिए था हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, जो आने वाले दिनों में हमने देखा है कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़े दिन लगेंगे। ये कोई ओवरनाइट तो हो नहीं सकता है, उसके पहले दूसरे तीसरे कदम रखे गए हैं, इसमें कुछ समय लगेगा। और एक फ्लिप साइड में आपको बताऊंगा, आज की डेट में 7 ऐसे देश हैं जहाँ इंडियन ओरिजिन के आदमी या प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट हैं। आपने तो इशू सुना, कमला हैरिस और सुरीनाम सुना ही होगा। मैं आपको कॉन्फिडेंस से कब कह सकता हूँ कि अब ये सब आता है ना, आपको व्हाट्सएप पे आता है कि टॉप इंडियन सीईओ क्या है, 2030 तक आपके पास ऐसे मैसेज आएंगे जिसमें एटलीस्ट 15 देशों के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनकी ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे आप नाम लिख लीजिए, कैनेडा, अपना ब्रिटेन और अमेरिका तो छोड़ तो हो ही गए हैं, वो तो अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मॉरिशियस, में ये गयाना, वेस्ट इंडीज की बात नहीं करूं, उसमें रहते ही आए। तो आने वाले 10-15 साल में ऐसा भी हो सकता है कि विश्व के 20 या 25 ऐसे देश होंगे जहां पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन की वहां पर मेरा ये कहना है, आज आप सब यहाँ है और कपिल जी भी हैं, इनके ये जो कहते हैं वो बहुत वजन रखता है। मैं हर साल सरकार को लिखता हूँ, जो म्यूजियम है यहाँ बड़ा गर्व करते हैं, मैं इंपैक्ट में हूँ, उस म्यूजियम को बनाने में हमारा भी योगदान रखता है। पर अगर आप ट्रूली सेंस में देखेंगे और जो म्यूजियम कपिल जी ने बनाया है, इसके लिए आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, साल में 2 दफा फूल वूल लगा देते हैं, उसके बाद कितने आदमी है। तो ये उनकी जन्म स्थली है, ये मंदिर है। हम लोग अभी जब वहां पर थे मणिपुर यूनिवर्सिटी में, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड से कितने लोग आए थे, वो यहाँ आना चाहते थे, कितने पैसे सरकार कितने कार्यक्रमों में खर्चा करती है। तो ये बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है, एक रिसर्च सेंटर नेताजी का बन सकता है कि नेताजी और सावरकर जी पे आपकी जो चीजें अभी तक नहीं लिखी गई है, बहुत कुछ और अभी भी आपने ग्रंथ पढ़ा नहीं है, कबीर जी का ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी है जो बताई नहीं जा सकती। तो मेरा यही कहूंगा, देखिए कटक की धरती से नेताजी, यही का पानी, यही की माटी, यही की हवा से वो उन्होंने अपने हर देखने में रखा है कि अगर मैं आज ये हूँ, जो आध्यात्मिक आध्यात्मिकता थी उनकी वो इसीलिए थी क्योंकि मैं ओडिशा और कटक में जन्म हुआ। तो मेरा ये कहना है, आप कटक के मतलब सब जेंट्री हो, आपको पता है हाइट मैसेज में हो, ये जो ओडिशा का म्यूजियम है इसको एक स्टेट ऑफ दी आर्ट कभी भी मदद कर सकते हैं, उतनी जितनी किताबें आपके पास है उससे ज्यादा मेरे पास है, मैं देने के लिए तैयार। बहुत जने ऐसे इसको एक सेंटर बनाए, ऐसा हो कि लोग यहाँ आए, जैसे महात्मा गांधी के वहाँ जाते हैं राजघाट में, किसी को नहीं मालूम, बहुत कमी में कहता हूँ, जैसे साल में आपको भी मालूम है 3 साल में 2-3 दफा वहाँ फूल फूल लगाते हैं, कोई मंत्री आता है तो साल भर ऐसे कुछ दिन में 10 क्षेत्र ग्रहण करते हैं। तो उड़ीसा का योगदान IIM में बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका इतिहास लिखा नहीं गया है। मैं सरकार को ये भी कहता हूँ कि जब मैं अपने ही तरीके से ऐसे सुनते करते 700 में नाम ले आया हूँ, अगर सरकार ऑफिशियल मशीनरी यूज करे तो सारे के सारे 4,000 आदमी जो हैं उनका नाम एक अच्छा सा स्तंभ हो, एक अच्छा मेमोरियल हो। जैसे आज हमारे वहाँ इंडिया गेट में तो हमने दूसरा सबका नाम लिखा हुआ जो जो शहीद हुए थे। तो उससे बाकी ये है कि ये जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति की ये सब इंकल्केट हमको अपने युवाओं में करना है। अगर 8-80 हज़ार बाहर चले जाएंगे और वापस आने की उनकी कोई इच्छा भी नहीं होगी तो ये हमारा जो फ्यूचर भारत का है इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभी जी।